और दोस्त, क्या हाल है? दिमाग। आपने कई बार सुना हो कि ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है, इसका दिमाग कितना चलता है, और ये सोचते होंगे कि यार काश मैं इतना इंटेलिजेंट होता। अब भाई, मैं ये तो नहीं जानता कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि पहला काम तो आपने कर ही दिया है इस वीडियो को क्लिक करके। तो सुनो मेरे भाई, कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनमें एक बहुत कॉमन खासियत होती है, वो ये है कि उनकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है। सोच के देखो, अगर आपको एग्जाम में चीजें सही ढंग से याद हो तभी तो आंसर दे पाओगे, और सारा कमाल है ही इस मेमोरी का। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, जिसे याद करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड। तो यहाँ पर आपको इन 10 वर्ड्स को इनके ऑर्डर में याद करना है, यानी कि अगर पहला बियर्ड है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा जैकेट, और फिर आगे आगे आगे। आपको 30 सेकंड्स देखने के बाद इसी सीक्वेंस में रिपीट करना है। तो तैयार होना, रेडी सेट गो। जल्दी, बहुत कम टाइम बचा है और ये टाइम खत्म। अब आप आगे बढ़ने से पहले कुछ भी करना, पर अपने आप से झूठ मत बोलना। तो दोस्त, अब बताओ आपको कितने याद है? याद रखना, जिस ऑर्डर में लिखा गया था उसी ऑर्डर में रिपीट करना है, और अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। तो लिख लिया। तो दोस्त, ये है असली लिस्ट। अब आप बताओ कितने सही है और कितने गलत। मुझे पता है कि 99% लोग पूरी लिस्ट तो लिख ही नहीं पाए होंगे, तो आप मुझे ये बताना कि आपने इसको याद कैसे किया था। आप में से कई लोगों ने इसको विजुलाइज करने की कोशिश जरूर करी होगी, बियर्ड में बियर्ड फिक्स कर दी होगी, कोई दाढ़ी वाले इंसान को देख लिया होगा, ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट सोच लिया होगा, जैकेट में जैकेट पहना दी होगी। इस तरीके से याद करने की कोशिश आप में से कई लोगों ने करी होगी, और मैं जानता हूँ कि विजुलाइजेशन से याद करना एक बहुत अच्छा तरीका है, पर क्या यही सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज को याद करने का? हाल ही में ओहायो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये पाया गया कि लोग किसी भी चीज को याद करने के लिए ज्यादातर विजुलाइज ही करते हैं, और उसे अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तो आपने उसी मेथड को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी ट्रिप पे जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, आप खुद देखना, आपको वो ट्रिप हमेशा अपनी जिंदगी भर तक याद रहेगी। पर ऐसा क्यों होता है दोस्त? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को फील करते हो, और डॉक्टर स्टीवन हंटली के अनुसार ये आपके ब्रेन के लिए एक मेंटल एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके सारे सेंसेस उस चीज को फील करते हैं, और ऐसे कोई भी ट्रिप पे जाना आपकी रोजाना जिंदगी से थोड़ा सा हटके होता है, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको एक नया एक्सपीरियंस कराता हूँ, आपको एक नई चीज बताता हूँ, जिसको जानने के बाद आपका जिंदगी के लिए नजरिया ही बदल जाएगा। हाँ? यकीन नहीं होता ना? बस मुझे एक मिनट दो, एक मिनट के लिए ध्यान से बहुत ही मन लगा के मेरी बात को सुनना, और सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना, बस एक मिनट। तो शुरू करें। तो एक बार क्या होता है कि आप सुबह सुबह उठते हो, और आप सुबह उठते ही खिड़की से बाहर देखने जाते हो, और बाहर देखते ही आपको दिखता है बहुत सुंदर इंद्रधनुष। क्या दिखता है? इंद्रधनुष। तभी अचानक से कमरे में आपका एक दोस्त आता है जिसका नाम है राजीव, और राजीव कमरे में आते ही उस इंद्रधनुष को पकड़कर आपके पैरों में डाल देता है, और आप देखते हो कि आपके पैर एकदम सतरंगी रंग बिरंगे हो। जैसे ही आप पैरों को देखते देखते अपने घुटनों पर देखते हो, तो आपको ये दिखता है कि विश्वनाथन आनंद सिंघम के साथ चेस खेल रहा है, और आप सोचते हो कि विश्वनाथन आनंद तो सिंघम को ऐसे ही हरा देगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर देखते हो अपने शरीर में, तो आपकी जांग पूरी गायब हो चुकी है, और जांग की जगह बन चुका है एक बड़ा सा चंद्रमा, और ये चंद्रमा चमकने लग जाता है, एकदम से आपके पेट में होने लग जाती है गुड़गुड़ 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 गुड़, और थम, आपका पेट पूरा फट गया। पेट फटते ही पेट से बाहर कौन आता है? नरसिम्हा, वही जिसने हिरण्यकश्यप को मारा था ना, वही नरसिम्हा। आप नरसिम्हा को बोलते हो कि हे नरसिम्हा, मेरे पेट को प्लीज जोड़ दो, इसको वापस पहले जैसा कर दो।
आपकी दुआ को सुन के नरसिम्हा आपका पेट तो जोड़ देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है और आपकी छाती पर एक देव बन जाते हैं। इन देव के पास होता है घोड़ा, और ये देव और घोड़े को देखने के लिए आप जल्दी से शीशे में जाते हो, और जैसे ही शीशे पे देखते हो तो गर्दन पे लिखा होता है आई लव गुजरात। क्या लिखा होता है? आई लव गुजरात। और जैसे ही आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो आपके मुंह से बिहारी निकलने लग जाती है, तो आप बोलते हो इका हुई कबा, अरे हम तो बिहारी बोल रहा है। अब परेशान होकर आप एकदम से अपने सर को पकड़ लेते हो और अपने सर में पहनी होती है एक पगड़ी, यानी कि अब आप एक सरदार बन गए हो, और अपनी शक्ल को देख के इतने परेशान होके आप चीख के बोलते हो मित्रो मुझे बचा लो। क्या बोलते हो? मित्रो मुझे बचा लो। तो दोस्त, ये कहानी थी तो बहुत ही अजीब, लेकिन बहुत हटके थी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस छोटी सी अजीब सी कहानी से मैंने आपको हमारे देश के पिछले 10 प्रधानमंत्री रटवा दिए, क्या आपको यकीन होगा? यकीन नहीं होता ना? आज रहस्य भाई कुछ मजेदारी देंगे। तो सुबह सबसे पहले आपने क्या देखा था? इंद्रधनुष, यानी कि इंदिरा गांधी। कमरे में एकदम से कौन आया था? आपका दोस्त, जिसका नाम था राजीव, यानी कि राजीव गांधी। राजीव ने इंद्रधनुष को पकड़ के आपके पैरों में डाला, जिसकी वजह से आपकी नजर घुटनों पे गई। और घुटनों पे चेस कौन खेल रहा था? विश्वनाथन आनंद और सिंघम, यानी कि विश्वनाथ सिंह, वीपी सिंह। उसके बाद आपकी जो जान थी उसमें बन गया था चंद्रमा, यानी कि चंद्रशेखर। फिर एकदम से आपके पेट में हुई थी गुड़गुड़, और पेट से बाहर कौन आया था? बिल्कुल सही, नरसिम्हा, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। और एकदम से आपकी छाती पे बन गए थे देव, जिनके पास था एक घोड़ा, यानी कि देव घोड़ा। और एकदम से जब आप शीशे में देखने गए थे तो गर्दन पे लिखा था आई लव गुजरात, यानी कि आई के गुजराल। और मुंह से निकल गई थी आपकी बिहारी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। और आखिर में आपने सर पकड़ा था तो आप बन गए थे सरदार, यानी कि मनमोहन सिंह। और एंड में आपने बोली एक बहुत ही बढ़िया बात, मित्रों, यानी कि मोदी जी। तो याद हो गए ना आपको ये 10 प्रधानमंत्री? और मुझे पक्का यकीन है कि आप ये कहानी कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर आपने इस कहानी को एक बारी फिर से अपने दिमाग में याद किया, आपको ये बात पूरी रट जाएगी, वो भी जिंदगी भर तक। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये कहानी 4 लोगों को सुना कर देखो, उनको भी हमारे देश के पिछले 10 प्रधानमंत्रियों के नाम रट जाएंगे। और दोस्त, इस टेक्निक को बोलते हैं बिजार विजुअलाइजेशन, यानी कि हम विजुअलाइज तो करते ही हैं, लेकिन इस टेक्निक हम खास तरीके से विजुअलाइज करते हैं। हम चीजों को अपने से जोड़ते हैं और उसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं जो कि जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। क्या आपका पैर में कोई रेनबो गिरा सकता है? नहीं ना। और यही आपके ब्रेन में आपके सारे सेंसेस को छूने की कोशिश करता है, आपको एक फीलिंग देता है, जिसकी वजह से आप इस एक्सपीरियंस को, जो कि इस केस में एक कहानी है, उसको आप हमेशा याद रखोगे। और अगर इसी तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो मुझे पता है कि आप अपने पेपर के आखिर के 14 दिनों में पढ़ के भी बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं रहस्य भाई आपको हेल्प करने के लिए ऐसी और वीडियो जरूर है। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करना, वहाँ पे आपको और भी ट्रिक्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में पढ़ने के लिए।